अपने हाथों को उठा, जितना वचन जितनी गवाहियां मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में तारीफ करो जोर से। अब बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जितने लोग आज के वचन को समझ गए, आपकी लाइफ में छुटकारा लेना आपके लिए पॉसिबल होगा और आप, आपका परिवार दोनों छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब बाइबल कहती है एक चीज, अगर आपको छुटकारा पाना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप लोग परमेश्वर का आदर करने वाले होने चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदावंद का आदर कर और वो तुझे छुड़ाएगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, खुदावंद का आदर करें पब्लिक में, ये जरूरी है। अगर आप खुदावंद का आदर पब्लिक में करें तो बाइबल कहती है वो आपकी लाइफ में छुटकारों को देगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। पहला शैमूएल 2:30 में लिखा, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया है परमेश्वर ने उन लोगों को बंधनों में नहीं रखा। वो फाइनेंस के हों, लाइफ के हों, बॉडी के हों, स्पिरिट के हों, चर्च के हों, आत्मिक हों, सोशल हों, पारिवारिक हों, मैरिटल हों, कोई भी हो, आप आजाद होंगे यीशु के नाम। जस्ट उसने कहा अगर तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा। अब लोगों को यह नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर का आदर कैसे करना है, क्योंकि यशाया में लिखा परमेश्वर ने कहा ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं। जय मसीह की बहन जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च के एल्डर, चर्च के लीडर, पर परमेश्वर कहता उनके दिल मुझसे कोसों दूर हैं। कैसे मालूम कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो, मैं आज वचन से आपको बताऊंगा। क्या होंठों से आपको खुदावंद का आदर करना है या कुछ कर्मों से आपको उसका आदर करना है? इसलिए दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला आदर करना है पब्लिक में, कैसे? बोलकर? नो। तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं और तुम्हारे शादियों में जब डीजे बजते हैं और संसारिक गाने बजते हैं, तुमने परमेश्वर का निरादर किया, आदर नहीं किया। तुम क्रिश्चियन सॉन्ग बजा सकते हो पूरे धूमधड़ाके वाले, तुम्हारे आधे रिश्तेदारों को तो मालूम तक नहीं होगा कि कौन से सॉन्ग बज रहे हैं, बट ढूम ढूम नजर आएगा वहां और तुम नाचोगे, पर होंगे क्रिश्चियन सॉन्ग। पर लोग है तो मसीही, लेकिन जब लोगों में आदर करने का समय आता है, खुदावंद का आदर, तब पीछे हट जाते हैं। और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं, उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐदा क्यों कीता, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के,
क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जब पब्लिक में आदर देने का समय आया उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होंठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे, चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम होंठों से तो मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदावंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। यह उसकी निशानी होगी कि यह क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी जला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए हम वैसा करेंगे। रिश्तेदार लाख खिलाफ हूं, जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पत्रस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता जब तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। जब प्रधानमंत्री किसी का आदर करते हैं, बुलाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनाम देते हैं, तो आदमी फूले समाता है कि फूले नहीं समाता, भाई मेरा आदर हुआ है। सोचो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वह जब वो आदर देगा किस लेवल का वो आदर होगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, जो वोटों से खड़ा नहीं हुआ, जो गॉड के चूज करने और उसके चुनने से खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर उसको आदर देता है, लाख लोग जलसी करें, लाख लोग उनके खिलाफ प्रीच करें, उनका आदर आप बढ़ते हुए देखते हैं, कभी कम होता हुआ नहीं देखते। यह निशानी होती है कि इनका आदर जो है यह इंसान से नहीं आया। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है। जब इंसान से आदर नहीं आया, जब परमेश्वर ने दिया है, जब वो देता है तो इंसान भी आदर करते हैं, क्योंकि आपने जीसस क्राइस्ट को पब्लिकली ऑनर किया है। मेरे फादर को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे मदर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, मेरे ब्रदर की वाइफ को, अपनी वाइफ को, पूरे घराने को मैंने बपतिस्मा दिया है। मेरे फादर के बैप्टिज्म सबसे बाद में हुआ है, और मैंने अपने लोगों को बता रखा था कि अगर मेरे फादर का बपतिस्मा लेने से पहले अगर उनको प्रभु ले जाता तो मैं उनके उस क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सकता था। मैंने बताया हुआ था, मैं वहां पे खड़ा हो सकता हूं लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पहला प्यार जो है वो जीसस क्राइस्ट और रहेगा। सख्ती से जब स्टैंड आप लेते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखकर आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करता है। आज मेरे फादर प्रभु में हैं, सेवा कर रहे हैं, मुझसे भी कई बार ज्यादा टाइम वो सेवा में दे देते हैं। कहां, कैसे हुआ, जब तू मेरा आदर करेगा, गॉड ने कहा मैं तेरा आदर करूंगा। कुरंथिया में लिखा, अपने देह के द्वारा मेरी महिमा कर, पब्लिकली मेरी महिमा कर। कैसे, जैसे चर्च में होता है, हाँ भैन फलानी भैन ने दुआ करांगे, भैन लगता मैनू आदर मिलिया। नहीं 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 नहीं, एक गिरा हुआ बंदा भी दुआ कर सकता है, एक आत्मिक भी दुआ कर सकता है। आदर है जब वो एल्डर, वो मेंबर, वो क्रिश्चियन जब अपनी शादियां करे तो वो कैसे करता है। शादी के टाइम में शराब चली या वचन चला, डीजे चला, गाने चले, या यीशु मसीह के वचन चले, सॉन्ग चले। अगर तुमको लगता है जीसस क्राइस्ट के गाने में तुम नाच नहीं सकते तो मेरे पास आना, ऐसी कलेक्शंस दूंगा तुम्हारे रिश्तेदारों की टांगों में खल्लियां पड़ जाएंगी नाच नाच के। हालेलुया, आमीन। पब्लिकली आदर नहीं किया तो परमेश्वर भी पब्लिकली आपको आदर नहीं देता।
आप चर्च में तो एल्डर बन जाते हैं, चर्च के तो मेंबर बन जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच खुदा आपको आदर करता है या नहीं? क्योंकि वो तो टाइम है जब एक जोड़ा जो को परमेश्वर जोड़ रहा है वो अंडर अनॉइंटिंग ब्लेस्ड हो, अंडर अनॉइंटिंग खुदावंद की प्रेजेंस में बरकत को लें, ग्रेस को लें अगली लाइफ को जीने के लिए, ताकि फिर आपको प्रेयर लाइन में खड़ा ना होना पड़े कि हमारी लड़ाई बहुत होती है जी। मेरे टीम मेंबर की जब मैरिज हुई आज से किसी की 8 साल पहले 7 साल पहले जो वो फोटो भेजे थे, मैं कोई अटेंड नहीं कर पाता था, मैं प्रेयर में रहा हूं हमेशा, तो मैं बोलता ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं, मैंने कहा ये क्या है, ये रीति है, मैंने कहा बंद करो, अगर ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर की शांति को अपनी मैरिज के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया परमेश्वर को अपना साक्षी नहीं बनाया, शैतान और उसके रीति रिवाज को बनाया। ऑनर गॉड पब्लिकली, पब्लिक में दिखना चाहिए वो इज्जत, वो ऑनर, आमीन। एंड ऑनर गॉड विद योर बॉडी, दूसरा वचन है अपने शरीर से खुदावंद की महिमा को करना है। अब शरीर से कैसे करें, अब शरीर से परमेश्वर की महिमा आप कैसे कर सकते हैं? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने शरीर से, अपनी देह से तू खुदावंद की महिमा को कर, आमेन। बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है, जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप लोग हैं, जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप हैं, समझ आ रही है कि नहीं? कौन है जीसस क्राइस्ट का एड्रेस? चिट्ठी भेजोगे उसको तो किस एड्रेस पे भेजोगे? अपने एड्रेस पे। अब ये शरीर जो है, ये बॉडी जो आपका शरीर लेके चर्च में आए हो, खुदा ने कहा इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग, जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापस आ गया था, सेकंड थर्ड, शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जब सेकंड क्लास के बाद सीधा फिफ्थ क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने, वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिड की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया, तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को, 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग, जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था, इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई आंख मटका नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्स्टिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं, किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हां इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? सुनो अब मेरी बात ध्यान से। जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं वो आपको ऑनर करता है, फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं, और जब आप उनकी लाइफ पे निगाह मारें अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदावंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल के डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2 हजार जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं, मैं जस्ट अपना काम करूंगा, उसके बाद
अब इमेजिन करो 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी. जस्ट वन डे, दैट्स इट. कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था. अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदावंद मेरे साथ है. आमेन. सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वेश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा. हालेलुया. लड़कियों को भी मालूम था कि यह बंदा कभी हाथ नहीं आता, वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच. फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे? उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें, पकड़ लेगा. तो उनको उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी, हमने विजन देखा है आपके साथ शादी होगी हमारी. मैंने कहा मैंने नहीं देखा अभी, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा. हालेलुया. तो मैं फंसने वाला नहीं था. तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया. इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं. हालेलुया. वो देखो मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं, जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है, वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली शरीर से. नीति वचन 3:9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर. इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइथ से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से. जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है. उसने कहा तो जब तू अपने भूमि की पहली उपज यानी टाइथ, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कई बार फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग. परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी महिमा करेगा तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे. हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है. हमने टाइथ पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं. जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा जब तू अपने टाइथ को देगा मैं फिजूल खर्ची के शैतान को झिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना झाड़ सकेगा. हालेलुया. गॉड का ऑनर करना पब्लिकली, गॉड का ऑनर करना अपनी शादियों में, अपने घर के दुख में सुख में, गॉड का ऑनर करना अपने शरीर से, गॉड का ऑनर करना पब्लिकली लोगों में गाकर, वर्शिप करके और नाच के भी. आमेन. गॉड का ऑनर करना अपने पैसों से. जब भी पुराने नियम में कोई मेल बलि देने के लिए जाता था कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, पाप बलि देनी है, तो मुंह से नहीं बोलता था खुदावंद मुझसे पाप हो गया मुझे माफ करना, पाप बलि बकरा लेके जाता था. जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, यहां पे वो कल्चर नहीं, ना मैं वो लेके आना चाहता हूं कि लोगों को हमारा सुसमाचार देना और सेव करना पहला मकसद है, ना कि ऑफरिंग कलेक्ट करना. लेकिन ये चीजें बिब्लिकल हैं और आपको मालूम होनी चाहिए, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो भी दोषी हूं. हालेलुया. ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया, अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वलस, एक दुनिया की पह, एक
शिप की जैसे जैसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा, कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक? उसने कहा, दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रांग इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया, और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो, हॉलीवुड की आज तक की जिसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है, एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा, जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, कहती, आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ, एक जस्ट एक हफ्ते बाद। टेनक्रेडो नेव्स, जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है, उसने कहा, अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं, तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ, उसको 5 लाख वोट मिले, जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया। प्रेसिडेंट, और पता क्या बोला, कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे, तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इज़राइल का राजा बहुत तंग आ गया, जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला, कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा? तो उसका असिस्टेंट बोला, अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा, तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ, जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए, और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इसराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े, और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के, और लाखों टन अनाज लूट लिया, और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जब बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर, पर खा नहीं पाया। इसलिए मैंने क्या कहा, ऑनर गॉड, खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम उसको बेइज्जत करोगे, तुम वही पाओगे। जैसे कुएं के पास जाके आवाज लगाओगे ना, वैसी आवाज वापिस आती। तो परमेश्वर ऐसा ही, जिसको एक तोड़ा मिला उसने छुपा दिया, और कहा कि तू बड़ा कठिन कठोर मनुष्य, मैंने सोचा तू बड़ा कठोर है, मैंने छुपा दिया। उसने कहा, जैसा तू मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही, जाओ इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। 5 वाले को बुलाया, 5 ने कहा मैंने 5 के साथ 5 कमाए, 3 के साथ 3 वाले ने कहा मैंने 3 कमाए, जाओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जैसा तुमने मेरे लिए सोचा मैं वैसा हूं, तुमने मुझे कठोर समझा मैं कठोर हूं, तुमने मुझे दयावान समझा मैं तुम्हारे लिए दयावान हूं। हालेलुया। ऐसे लोग जिनकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करूं तो खत्म नहीं होंगी, जिन्होंने परमेश्वर को शरेआम मॉक किया। एक कैजूजा नाम का ब्राजीलियन कंपोजर, सिंगर, पॉइट, बड़ा हिट आदमी, जबरदस्त हिट, टॉप हिट, पता क्या बोलते हैं, ऐसे कश भर के मुंह में कश छोड़ के बोलता है, ये ले तेरा यीशु। 32 साल की उम्र में उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ और मर गया, जस्ट 32। खुदा की इज्जत करो, वो तुम्हें टॉप पर लेके जाने वाला है। जब आप टेस्टमनी देते हैं आप उसका ऑनर करते हैं। जब मैं दुकानदारों से अपने सामान के पैसे लेने, जो रिटेल दुकानदार होते थे उनको हम सामान देते थे और बाद में उधार दे के फिर पैसे लेने जाते थे, जब मैं लेने जाता था तो मैंने फास्टिंग की होती थी, तो वो पूछते थे जानबूझ के, चाय पियेंगे सर, कुछ खाइए,
तो मेरे को मालूम था कि अब गवाही देने का टाइम। बोलता नहीं फास्टिंग है। पूछने कौन सी फास्टिंग, फिर उसको पूरी स्टोरी बतानी कौन सी फास्टिंग जानबूझ के, ताकि मैं अपनी टेस्टिमनी रोज दूं, रोज खुदावंद को ऑनर करूं, रोज मैंने अपनी गवाही को दिया है और खुदा ने मुझे ऑनर दिया है। मैंने देखा लोगों को, लोग जब टेस्टिमनी देने का समय आता है वो उनको मालूम नहीं क्या कहना है। हालेलुया। जब भी आपको मौका मिले किसी भी जगह से टेस्टिमनी देने का, चर्च के बारे में बताने का, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताने का, अपनी गवाही देने का, किसी और की गवाही देने का, जस्ट अपना मुंह खोलो। शैतान चाहता है तुम्हारा मुंह बंद रखे, शैतान नहीं चाहता तुम्हारा मुंह खुले। क्योंकि जब तुम्हारा मुंह खुलेगा खुदा की इज्जत होगी, जब वो तुमसे इज्जत पाएगा तुमको इज्जत वापिस करेगा। वो लड़का जो शराब पीता है तुम्हारे घर की बेइज्जती का कारण है, वो शराब छोड़ देगा तुम्हें इज्जत मिलेगी। वो लड़की जो बिगड़ी हुई वो छोड़ देगी उन चीजों को, वो फाइनेंस जो बिगड़ा हुआ खुदाबंद सीधा करेगा और तुम इज्जत पाओगे। और ये चीजें आपकी आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक चीज प्रार्थना से नहीं होगी। आप प्रेयर करेंगे तो हो सकता है यही वही प्रेयर जो आपने अपने फाइनेंस के लिए की है उसी प्रेयर के कारण आपको आज ये वचन सुनने का मौका मिला है और आप ये वचन आज सुन रहे हो। पर काम वचन ने करना है, काम आपके कर्म ने करना है, जो आप परमेश्वर के वचन को सुन के आप चलेंगे तो। हालेलुया। कुछ देर की बात है, हाँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति ने मुझे कॉल किया जिसके हाथ में सब कुछ था और हम सब कुछ कर चुके थे अपनी तरफ से और सब कुछ दूसरे के हाथ में था। वो चाहे कर सकता था, वो चाहे रोक सकता था। और उसने मुझे जब फोन किया तो अपनी लैंग्वेज में, अपने रिलीजियस लैंग्वेज में मुझे उसने ग्रीट किया और मुझे शैतान ने बोला यही बोल। क्यों? अगर तू उसे कुछ और बोलेगा वो नाराज हो गया तो तेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने बोला जय मसीह की जी, ऐसी की तैसी काम की जाता है, जाए आता आए, कोई टेंशन नहीं, देखी जाएगी बाद में क्या होगा। मेरे मुंह से निकलती नहीं और चीज, क्योंकि मेरे मुंह से मैं नहीं चाहता कि मैं जीसस क्राइस्ट के अलावा और कहीं ऑनर। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी के बारे में नीचा में बोलना चाहता नहीं, लेकिन मैं अपने खुदावंद को ऊंचा करना चाहता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, आपका एमएलए आपको फोन करे आपकी भाषा चेंज हो जाती, आपका सरपंच आपको फोन आपकी भाषा, वो भुआ अगर यूएसए में जो बैठी उसने फोन कर दिया ना तो आप भूल जाएंगे आप क्रिश्चियन हैं, क्योंकि आपको वीजा चाहिए, आपको डॉलर दिखते हैं। Honor God before men publicly from your body, अपने शरीर से, अपने पैसे से। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। भजन संहिता 107 उसकी 32 आयत, सभा में उसको सराहें, पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। जब सभा में बैठें, जब दोस्तों के साथ बैठें, मेरे दोस्त आज भी जो क्रिश्चियन नहीं है उनको मालूम है मैं एक खुदावंद का सेवक हूं। जो मेरे साथ बात करते हैं परमेश्वर की ही करते हैं। मेरे रिश्तेदार जो कई बार सालों के बाद मुझे मिलने के लिए आते हैं, क्रिश्चियन नहीं, लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं एक पास्टर समझ के ही करते हैं। सभा में जब मैं बैठता हूं खुदा ने कहा उसको सराहना है। आमेन। जो फाइट है वो तो है ही। अब मैं वो फाइट के बारे में बात करूं या जो रेवलेशन मुझे मिल चुकी है कि जीसस इज द लिविंग गॉड, ये जीवित परमेश्वर है, ये सच्चा है और कोई नहीं है, तो फिर मैं जीसस क्राइस्ट पे अपना ध्यान लगाऊं या जो एक आशीष मुझे नहीं मिली उस पे ध्यान लगाऊं? अगर तो मेरा ध्यान पक्का हो गया, सिद्ध हो गया है, तो मुझे मालूम है जो आशीष नहीं मिली वो मिल जाएगी, तो मैं सभा के बीच में भी उसको सराह सकता हूं। क्योंकि सराहने के लिए भी आपको फेथ चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सराहना करने के लिए भी, टेस्टिमनी देने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए।
क्योंकि एक काम जो हो गया उसकी गवाही मैं दूं, या दूसरा काम जो नहीं हुआ उसकी वेट करूं। अगर आप वेटर्स हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। जब मेरी वाइफ की फैमिली चर्च आने लगी तो पैसे 200 रुपया 150 रुपया मांग कर किराया लेके आते थे, और जो कि पूछने के लिए जाता था कि बहन जी कैसे हो। अब उसको ये बताएं कि हम चर्च में पैसा मांग के भी किराया लेके जा रहे हैं, या ये बताएं कि जो खुदा ने कर दिया है। और अब देखो कितने परिवार अब किराया उनसे लेके जाते हैं, और जब भी किसी ने आगे पूछना बहन जी कैसे हो, बहुत दया परमेश्वर थी, बहुत यही बात बोलनी, बहुत दया खुदावंद शादी से पहले, और वैसा ही हुआ जैसा मुंह से निकला। या ये बोले कुत्ते भैन जी जानने तो है चर्च रोज किराया लेता 200 रुपया देने वाला हो गया 1000 रुपया। या तो ये बात बोले, या अगर समझ आ गई कि जीसस क्राइस्ट जीवित खुदा है, क्योंकि जब आप नए बच्चे होते हैं आपको गिर गिर के चलना होता है, नया नया साइकिल सीखते हैं गिर गिर के, चोट लगा के आप सीखते हैं, चोट ना भी लगे तो आराम से सीखते हैं। वैसी क्रिश्चियनिटी है, स्टार्टिंग में आप भाग नहीं सकते, स्टार्टिंग में सब कुछ समझ नहीं आएगा, बच्चों को सब चीजें समझ नहीं आती, स्टार्टिंग में खाना पीना एक डायपर ही चलेंगे बस। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्रिश्चियनिटी का टेस्ट आना शुरू होगा, और ये और मीठी होती जाएगी, और सुंदर होती जाएगी, और विक्टोरियस होती जाएगी। इन जीसस नेम रिसीव करो इस क्रिश्चियनिटी को, आमीन ऊंचा, हालेलुया। Honor God before men, लोगों में, पब्लिक में, बॉडी से, और लास्ट एक पॉइंट आज के लिए लास्ट, अपने परिवार में खुदा को ऑनर करो। जब खुदावंद ने अब्राहम से बात की तो परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में पता क्या बोला, सोचो देखो क्या बोला। परमेश्वर कहता अब्राहम जिस पे मुझे ये यकीन है कि ये अपने बाद अपने परिवार को भी मुझ में चलाएगा, मैं इसका मित्र क्यों ना बना रहूं। वो 7 साल का बच्चा तुम्हारे हाथ में नहीं, वो चर्च में नहीं बैठ रहा, जब 17 का हो जाएगा तुम्हारे नाक में दम कर देगा वो, उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट चाहिए, ये 5 नंबर का ट्रीटमेंट। हालेलुया, थोड़ा ये ट्रीटमेंट, थोड़ी प्रेयर। अब्राहम ने अपने बच्चों को बोल के रखा होगा कि काका सारा कोई देखे है ना, किनिया लखा पेड़ा बकरियां करोड़ा रुपया, जे तुसी यहोवा दे नहीं ते भुल जाओ सारा कुछ, जाओ ते नौकरियां करो ते स्वाद लो। अगर ये लेना है तो ये खुदा के साथ पैकेज में आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। चलाया उसने अपने परिवार को, और कई बार आपको ऐसे चलाना पड़ता है और बाद में वो चल पड़ते जब वो खुदावंद की बरकतों को देखते हैं, उसके प्रेजेंस को देखते हैं। इमेजिन अब्राहम का जो परिवार था 300 से अधिक शानदार सोल्जर्स थे, और बाइबल बताती है अब्राहम जब राजाओं को मारता था, जब उसके करीबी को पकड़ के ले गए लूत को, तो राजाओं को मारता था वो, राजाओं जो राजा देश जीतते थे अब्राहम उनसे जीत जाता था। इमेजिन करो अब्राहम किस लेवल का आदमी होगा। लेकिन जब स्वर्गदूत अब्राहम के सामने आए, पता क्या बोला कि प्लीज खाना खाए बिना मत जाना और यही रहना। और बाइबल कहती है उस समय अब्राहम की उम्र 98 के करीब होगी, सारा की उम्र 89, 90 साल के करीब सारा, और सारा को पता जाके क्या बोलता है, ए, जल्दी कर, फुर्ती से 90 साल की औरत कहता फुर्ती से फुलके चाहिए मेरे को। अरे भाई तेरे पास 15 शेफ हैं, 400 लोगों का स्टाफ है, तेरी किचन में 25 लोग काम कर रहे हैं, उनको बोल दो। पर अब्राहम को इज्जत देनी आती थी। आज भी अगर मेरे घर में स्टाफ है, हम खाना पकाते नहीं, मेरी वाइफ नहीं, मैं कुछ कोई नहीं, जस्ट अगर शौक हो मुझे खाना पकाना आता है, वाइफ को भी आता है, हम फेल कर सकते कुछ शेफ्स को, हालेलुया। हाँ, तो जब गेस्ट आया मेरे घर में कोई खास, मैंने बुलाया, तो अभी भी जो खाना है मेरी वाइफ बनाती। रोमियो 12:10, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो,
परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। फिर मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस 2 उसकी 17, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आदर करना, अगर कोई गेस्ट आया तो ये नहीं मैं स्टाफ पे छोड़ दूंगा, मेरी वाइफ जाएगी रसोई में, वो चेक करेगी, वो पकाएगी, मैं अपने गेस्ट के साथ बैठूंगा, जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग राइट चल रहा। ऐसा नहीं मुझे उससे कुछ चाहिए, चाहे उसी को उसको मुझसे कुछ चाहिए हो, पर है वो मेरा गेस्ट। सबका आदर करो, वॉलंटियर्स ये आप लोगों के लिए, लोग दुखी आते हैं घर से और आप बोलते ओए इधर भेजा, ओए चक इधर भेजा, ओए इधर भेजा। खुदा एक्सपेक्ट करता है जब एक चर्च के अंदर एक विश्वासी एंटर करे तो वॉलंटियर की स्माइल से हील हो जाए, लेकिन वॉलंटियर इज्जत देना कई बार जानते नहीं, समझते नहीं। अब तो समझ गए होंगे, बहुत टाइम हो गया आपको, आप सब कुछ कर सकते हैं, चर्च के रूल्स भी फॉलो कर सकते हैं और आप दूसरों को इज्जत भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वचन कहता है। जब वचन के ऊपर आप नहीं चलेंगे आपकी खुद की बरकत रुकेगी, दूसरे की स्पिरिट भी कड़वी होगी, आपकी स्पिरिट में भी खोट आएगा, क्योंकि वचन कहता है देखो सबका आदर करो। पहला पत्रस 2 उसकी 17 आयत, और उसके पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 10, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करो लोगों का जो आपके चर्च में आए, वो गरीब हो वो अमीर हो, वो पहले आता तो पहले बिठाओ, उसने अच्छे कपड़े डाले आम डाले, पहले आया तो आगे बिठाओ। आपको लव करना आदर करना सीखना होगा, आमेन। जब आप आदर करने में बढ़ते चलेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करने में बढ़ता चलेगा। उसने कहा अगर तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर, अगर तू मेरे वचन को तुच्छ समझेगा मैं तुझे छोटा समझूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऑनर करना लोगों का, परिवार का। अब अब्राहम जब उसने कहा सारा फुलके पका फुर्ती से, तो उसने बहस नहीं की आगे कि भाई साहब इतना स्टाफ है बोल दो तो जाके, बाइबल कहती उसने फुर्ती से 89 ईयर की उस औरत ने फुर्ती से फुलके बनाए। और उसने बहस क्यों नहीं की, क्योंकि अब्राहम को अपने परिवार को चलाना आता था। हालेलुया, क्या आपको अपना परिवार चलाना आता है, क्या आपके बच्चे आज चर्च में आए हैं, क्या आपने उसने आपने उनको स्ट्रांग किया, क्या आपने उनकी ताड़ना की, क्या आपने उन पर छड़ी चलाई, क्योंकि आपको खुदावंद को पहले स्थान पर रख के आदर देना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो मेरे अपने बाद अपने घराने को भी मेरे पीछे चलाएगा, मुझे यकीन है परमेश्वर को मालूम था। हालेलुया, आपके बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनका जो भी कुछ आएगा वो यहोवा के पीछे चलने से आएगा। तारीफ करो जोर से खुदावंद, आमेन। खुदावंद का ऑनर करना आपको सीखना है, शादियों में, घरों के दुखों में, घरों के सुखों में, पब्लिकली, चर्च में, चर्च के बाहर, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपनी बॉडी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी चर्च में, अपने गेस्ट के साथ, अपने रिश्तेदारों के सामने आपको उसका आदर करना है। अपने पड़ोसी को बोलो ऑनर गॉड, खुदा का आदर कर, वो तुझे बढ़ाएगा, चाहे तू सत्यानाश के गड्ढे में क्यों ना हो, वो वहीं से पकड़ कर तुझे निकाल के ब्लेस करेगा। आमीन, ऊंचा ये बरकत आपकी है। अगर हम आदर करने में बढ़ चलें, आपको मालूम वचन क्या कहता है, कहता जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं दो गुना आदर के योग्य समझे जाए। हाँ कितने गुना, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो पंजाब में क्या मालूम क्या चलता था, बहन खड़ी होती पाजी, मैंने कहा उसको भी पाजी, बाहर गए स्टाल वाले ने भी पाजी, जिस ऑटो च आए उन्होंने भी पाजी, अपने घर फोन किया उन्होंने भी पाजी, मायके फोन किया वो भी पाजी, सारे पाजी। तो वचन पूरा कहाँ हुआ कि जो वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं दुगने आदर के योग्य हो, वो पाजी नहीं है, वो अपने आप को पाजी समझे अच्छी बात है,
पर वो है नहीं। तो लोगों को समझ आई, अच्छा हमें इस तरह से करना है, आपस में आदर देने में परमेश्वर कहता बढ़ते चलो। आज चार लोगों को इकट्ठी असाइनमेंट दे दो, एक दूसरे को ऐसे काटते हैं कि प्रोफेशनल डॉग भी ऐसा नहीं काट सकता। हालेलुया। क्योंकि वचन जब दिमाग में नहीं पड़ा, नहीं समझ नहीं, तो हम फिर अपनी लाइफ में बंधनों को देखते हैं, उनको हम डिलीवर होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वो होगा कैसे? विद वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही चीजें हैं जो एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क है, एक आम और एक खास। खुदा ने आपको सेम बना के भेजा, क्योंकि वचन कहता है जब वो आपको बचाता है तो विश्वास का माप, कटोरा सबको समान देता है। अब कोई तो उसको यूज कर करके अच्छा कर लेता है, कोई तो जिम जा जा के बॉडी बना लेता है, और कोई तो बेचारा खत्म हो जाता है। ये अपने ऊपर है। और ये कुछ चीजें ऐसी थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई हुई थी। हालेलुया। और शायद इसीलिए मैं ब्लेस्ड हूं। आपको प्रेयर करनी है, खुदाबंद एक सैटेलाइट चैनल की शुरुआत करे चर्च से। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा का आदर कर, एक दूसरे का आदर कर। आमेन। और जब आप वर्ड को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको सीरियसली लेना शुरू करता है। ये शायद शुरू से मेरी लाइफ में था कि जब मैं अपने मेंटर के सामने जाता था, मैं तो उनके पैरों में गिर पड़ता था हर बार। तो सोचते हर बार ये क्या करता है ये। तो मेरे को मालूम था कि खुदा का वचन मुझे क्या कहता है। आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप खुदा के सिखाए वचनों पे अगर चले हैं। तो धर्मी को धर्मी समझेगा, उसका बदला पाएगा। धर्मी को पाजी समझेगा, पाजी का बदला पाएगा। उसको नबी समझेगा, नबी का बदला पाएगा। तो अगर उसको एक कटोरा ठंडा पानी देगा तो उसका प्रतिफल तो किसी रीति से ना खोएगा, ऐसा बाइबल कहती है। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को, इस वचन का अंगीकार करो कि खुदावन मैं ऑनर करूंगा, पब्लिक में, बॉडी से, पैसों से, परिवार से, एक दूसरे से, अपने सेवक का, पास्टर का, तेरा मैं आदर करूंगा। मांगो ऊंची आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।